डॉक्टर साहब, बीमारी को आराम क्यों नहीं आ रहा? जब से मुल्क में तब्दीली आई है तब से अस्पताल में दाखिल। बॉर्डर पता नहीं पानी वाला इंजेक्शन लगा देता है, बीमारी कम होने की बजाय ओए बढ़ती जा रही है। इसे कैसे पता चला कि हम इन्हें पानी भर के इंजेक्शन लगाते हैं? सर, हो सकता है इन्होंने मुझे पानी वाले जग से ना इंजेक्शन भरते हुए देख लिया हो। डॉक्टर साहब, अस्पताल की दवाइयों में कोई असर नहीं है। 2 किलो सर दर्द की गोलियां खा चुका हूँ, अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। अब्बा अब्बा, मैं सारी दवाइयां बाजार से ले आया हूँ, अब तुम्हारी दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ा है? अब तुझे मना किया था बाहर मेडिकल स्टोर से दवाइयां नहीं लेकर आनी, और मैंने तुझे अस्पताल वाली फार्मेसी पे भेजा था। डॉक्टर साहब, अस्पताल की फार्मेसी में कोई दवाई नहीं मिलती। ओ, ये मैं नहीं जानता। आइंदा तू अगर बाहर के मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेकर आया तो मैं तुम्हारे अब्बे को अस्पताल से बाहर निकाल दूंगा। अभी तो कोई सर दर्द की दवा लिख दे, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है और गर्दन भी बहुत दुख रही है, कोई दर्द की दवा ही खिला दो मुझे। ये मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ, ये हॉस्पिटल से ही मिल जाएंगी और ये ही इस्तेमाल करनी है। लेकिन सर, फार्मेसी तो खाली पड़ी है मेरे अब्बे के दिमाग की तरह। तो फार्मेसी जाने का किसने बोला है? ये सब चीजें कंटीन से मिलेंगी। कंटीन से? और बेटा, 2 कप चाय भी ले आ। ले आए दवा, जल्दी से मुझे दे दे, सर दर्द से फटा जा रहा है। चूसने वाली गोलियां, मेरा मतलब टॉफियां। डॉक्टर ने सर दर्द की बजाय बच्चों वाली गोलियां क्यों लिख के दी? हाँ, अस्पताल में जो गोलियां होंगी वही लिख के देनी है ना डॉक्टर साहब ने। आप डॉक्टर साहब बाहर की गोलियां लिखेंगे तो क्या उन्होंने अपनी नौकरी गंवानी है? ये तो चूहे बार गोलियां लग रही है। हकूमत ने सख्ती से मना किया है, जो डॉक्टर बाहर की दवाई लिखेगा या मंगवाएगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कमाल है भाई, हकूमत ना दवाओं के लिए फंड जारी करती है ना बाहर से दवाएं मंगवाने की इजाजत देती है। अब्बा, अब यही खा ले, इससे चूहे तो कभी मरे नहीं, तुझे क्या होना है? देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।